हेलो दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं हमारे सभी सब्सक्राइबर्स से कि उन्हें अगले वीडियो के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। तो आज का ये वीडियो बेस्ड है ESIC के एक बहुत बड़े बेनिफिट पर, जो है ESI का सिकनेस बेनिफिट, यानी कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं उस समय भी आपकी वेजेस बंद नहीं होती है और ESIC आपको पेमेंट करता रहता है आपकी वेजेस का। इसको बोलते हैं ESIC का सिकनेस बेनिफिट। जब भी जो व्यक्ति सिकनेस बेनिफिट के लिए एलिजिबल है और वो सिक लीव्स लेता है, तो उसकी वेजेस का जिस पर वो ESI कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका 70% ESIC डिपार्टमेंट उसको पे करता रहता है, यानी उसको कंप्लीट वेज लॉस नहीं होता। 70% पेमेंट उसको लगातार मिलता रहता है ESIC डिपार्टमेंट के द्वारा। इस स्कीम को हम डिटेल में आज समझेंगे, कौन कौन इसके लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन की कंडीशंस क्या है। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं कुछ फॉर्म्स जो ESIC की डिस्पेंसरी से आपको मिलते हैं, ESIC के मेडिकल ऑफिसर से मिलते हैं, इसके बारे में भी अब डिटेल में समझेंगे। मैं आपको ऑनलाइन ESIC के एम्प्लॉय पोर्टल पर भी लेकर चलूंगा और वहां पे आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आप ESIC के लिए एप्लीकेबल हैं सिकनेस बेनिफिट के लिए या नहीं, वो वहाँ पे डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको उसमें आधार कार्ड कैसे सीड करना है ये भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से पहले, आपको ESIC सिकनेस बेनिफिट मिलने से पहले आपको अपना ESI का ई पहचान कार्ड बनाना पड़ेगा। और यदि आपने अपना ई पहचान कार्ड नहीं बनाया अभी तक या अपने एम्प्लॉयर से नहीं लिया है ई पहचान कार्ड, तो उसके लिए हमने एक अलग वीडियो डाल रखा है, ये वाला वीडियो जो आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं एक थर्ड जनरेशन लेबर लॉ कंसल्टेंट और मैं और मनदीप इस चैनल को चलाते हैं जिसको आप पसंद करते हैं, जिसका नाम है लेबर लॉ एडवाइजर। और मैं अपने सारे जागरूक एम्प्लॉयज का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, सिकनेस बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं उस डेफिनेशन, व्हाट इज सिकनेस, उसकी डेफिनेशन जो ESIC डिपार्टमेंट ने दी है उसको एज इट इज पढ़ता हूं और उसका मतलब आपको समझाता हूं। सिकनेस बेनिफिट रिप्रेजेंट्स पीरियोडिकल कैश पेमेंट मेड टू IP ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्टिफाइड सिकनेस अकरिंग इन अ बेनिफिट पीरियड व्हेन IP रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस विद एब्सटिनेशन फ्रॉम वर्क ऑन मेडिकल ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ हम समझते हैं। इसमें ये कह रहा है कि सिकनेस बेनिफिट उसे कहा जाता है जब एक IP को कैश में बेनिफिट मिलता है ESIC डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफ सर्टिफाइड सिकनेस, यानी जो उसकी सिकनेस है वो उसने सर्टिफाइड करवाई है। सर्टिफाइड मतलब उसने डिस्पेंसरी में जाकर वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर हैं चेकअप करवाया है और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, उसकी सिकनेस सर्टिफाइड है। ऐसे नहीं कि वो मन से बोल सकते हैं कि उनको वो सिक है, आपको वो चेक करवाना पड़ेगा। और अब बेनिफिट पीरियड के अंतर्गत होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आपने जॉब छोड़ दी उसके कुछ सालों बाद आप बीमार पड़ रहे हैं तब ये बेनिफिट डिमांड कर रहे हैं। आप उस बेनिफिट पीरियड में, उस कवरेज पीरियड में होने चाहिए। कवरेज पीरियड कैसा होता है, यानी आपने अप्रैल से लेकर सितंबर तक कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो अगले 6 महीने के लिए आप ESIC में कवर्ड हैं। इसी तरीके से ESI का बेनिफिट चलता है। और उस सिकनेस के कारण वो वर्क से एब्सेंट है, यानी अगर आप वहाँ पर सिकनेस के बावजूद आप अपने जॉब पर प्रेजेंट है, वहाँ से आपको सैलरी मिल रही है, तो फिर आप सिकनेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको एब्सेंट होना बहुत ज़रूरी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप वहाँ से एब्सेंट होते हैं तो आपकी अटेंडेंस रजिस्टर में L की जगह S लिखा होना चाहिए, जिसको सिकनेस बेनिफिट बोला जाता है। इस सिकनेस बेनिफिट में आपको दो कॉन्जिक्यूटिव पीरियड यानी एक साल का पीरियड होता है। कॉन्जिक्यूटिव पीरियड कहलाते हैं अप्रैल से लेकर सितंबर और अक्टूबर से लेकर मार्च। इसके बीच में आपको अधिकतम 91 डेज का सिकनेस बेनिफिट मिल सकता है, जो बहुत है, यानी हर महीने लगभग 6 से 7 बार भी आप सिकनेस बेनिफिट ले सकते हैं। 91 डेज का आपको बेनिफिट मिलेगा, जिसका 70% पेमेंट आपको ESIC डिपार्टमेंट करेगा यदि आप सिकनेस बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए समझते हैं इसकी क्वालिफाइंग कंडीशंस। टू बिकम एलिजिबल फॉर सिकनेस बेनिफिट IP शुड हैव पेड कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर नॉट लेस देन 78 डेज ड्यूरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड, यानी जो IP होता है उसे आप एक कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड की डेफिनेशन समझ लें। ये कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड साल में 2 होते हैं, पहला होता है अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 महीने का और दूसरा होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने का। इस 6 महीने में न्यूनतम आपको 78 डेज प्रेजेंट रहना है वर्क पर, तब आप ESIC के बेनिफिट्स अवेल कर पाते हो। इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि पहली बार सिकनेस बेनिफिट लेने से पहले
एटलीस्ट आपका 9 मंथ्स का ESIC का पेमेंट हो चुका होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आपका 9 महीने का भी पेमेंट ना हो, आपने पहले दिन ESIC में रजिस्टर किया है और उसी दिन से आप सिक हो गए तो आपको बेनिफिट मिलने लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर मिल जाएगा लेकिन आपको सिकनेस का पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको न्यूनतम 9 महीने की सर्विस करनी चाहिए। मैं आपको अभी आपके एम्प्लॉय पोर्टल पर जाकर भी चेक करवा दूंगा कि आप वहां पर कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आप सिकनेस के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तीसरी कंडीशन, जब भी आप सिक पढ़ते हैं तो उसके पहले 2 दिन सिकनेस बेनिफिट के अंतर्गत कवर नहीं होते, उन 2 दिनों को वेटिंग पीरियड बोला जाता है। यानी मान लीजिए आप लगभग 10 दिन के लिए बीमार पड़े और आपका इलाज ESIC हॉस्पिटल में चल रहा है, आप जॉब करने के लिए एलिजिबल नहीं हो उस पीरियड में, तो पहले 2 दिन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी 8 दिन का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वो पहले 2 दिन वेटिंग पीरियड कहलाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, हाउ टू अवेल दिस सिकनेस बेनिफिट फ्रॉम ESIC। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरे पास कुछ स्लिप्स हैं, ESIC मेडिकल फॉर्म 11 और ESIC फॉर्म 7। ये एक्चुअल कुछ एम्प्लॉयज़ के फॉर्म हैं जो जिन कंपनीज को मैं कंसल्ट करता हूँ उनसे एक दिन के लिए मैं बोरो करके आया हूँ, और यही चीज़ हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं स्कैन करते हुए, तो आप इसको समझते चले स्क्रीन पर देखते हुए। तो दोस्तों ये जो ESIC का फॉर्म 11 है, ये आपको कब मिलेगा, जब भी आप बीमार पड़ते हैं उस समय आप अपने लोकल डिस्पेंसरी को विजिट करें और वहाँ पर डॉक्टर को अपना प्रॉपर चेकअप कराएं, और यदि आपको लगता है और डॉक्टर को लगता है कि आप अभी वर्क के लिए फिट नहीं हैं तो आपको वो फॉर्म 11 प्रोवाइड करेगा, ESIC फॉर्म 11, ये हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इस तरह का फॉर्म होगा, इसके अंदर आपका नाम, आपका IP नंबर, किस तारीख से किस तारीख तक आप बीमार पड़े हैं और मेडिकल ऑफिसर का साइन, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी इसके फॉर्म में। इस फॉर्म को जनरल टर्मिनोलॉजी में सिक फॉर्म कहा जाता है, यानी जब आप बीमार पड़े तब आपको ये फॉर्म अपने डिस्पेंसरी से मिलेगा, और ये फॉर्म आपको अपने ऑफिस में जमा कराना है, और जितने दिन इसमें मेंशनड है उतने दिन आपकी ऑफिस आपके लिए S मार्क कर देंगे और वहाँ पर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पेमेंट आपका ESIC डिपार्टमेंट करेगा। जो दूसरा फॉर्म कहलाता है वो भी हम देखिए स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दूसरा फॉर्म कहलाता है फॉर्म 7। फॉर्म 7 इसके अंदर, इसको हम लोग कॉमन टर्मिनोलॉजी में फिट फॉर्म कहते हैं। इसके ऊपर जो वैसे फॉर्म का नाम लिखा है वो फर्स्ट इंटरमीडिएट या फाइनल सर्टिफिकेट लिखा है, इसको हम जनरली फिट फॉर्म कहा जाता है नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में। इसमें ये लिखा है कि हाँ, यह व्यक्ति जिसका IP नंबर, नाम इत्यादि इस फॉर्म में मेंशन है, यह व्यक्ति इतने से इतने दिन तक बीमार था लेकिन अब कार्य के लिए फिट है और अब इसे कार्य पर रखा जा सकता है, और इसकी जो सिकनेस लीव आपने वहाँ पर लगाई थी उसको अब रोक दीजिए और इसकी प्रेजेंट मार्क करना शुरू कीजिए। तो ये जो दोनों फॉर्म हैं, जो सिक फॉर्म है और फिट फॉर्म है, इसको आपको डिपॉजिट करना है अपने लोकल ESIC ऑफिस में। लोकल ESIC ऑफिस आपकी अटेंडेंस इत्यादि चेक कर कर, ये चेक कर कर के हाँ आपकी फैक्ट्री में एक्चुअली S मार्क किया गया है कि नहीं, आप इस सिकनेस के लिए एलिजिबल है कि नहीं, आपकी कुछ अदर डिटेल जैसे आपका आधार इत्यादि सीडेड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करके सब प्रकार से निश्चिंत होकर आपको सिकनेस का पेमेंट दे देगा इन फॉर्म ऑफ चेक और डिमांड ड्राफ्ट, और कुछ केसेस में कैश भी। अब मैं आपको लेके जाता हूँ ESIC पोर्टल पर और वहाँ देखते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि आप सिकनेस अलाउंस, सिकनेस बेनिफिट पाने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, यानी आपने मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसमें उतनी सर्विस कंप्लीट करी है कि नहीं। हाँ तो दोस्तों आइए समझते हैं अपने सिकनेस बेनिफिट को आप कैसे चेक कर सकते हैं एम्प्लॉय पोर्टल पर जाकर ESIC के। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल पर जाना है, सर्च करना है ESIC एम्प्लॉय लॉगिन, और जो पहला लिंक आएगा एम्प्लॉय पोर्टल www.esic.in/employee-portal-login, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। तो दोस्तों इसका यूजर नेम आपका IP नंबर ही है और इसका कोई भी पासवर्ड नहीं है। तो दोस्तों हमने लॉगिन कर लिया ESIC पोर्टल पर, यहाँ पर ऊपर अपना आपको IP नंबर दिख जाएगा जो हमने सिक्योरिटी रीजंस के कारण छुपा रखा है, यहाँ पर आपको नाम दिख जाएगा वो भी हमने छुपा रखा है, बाकी सारी चीज़ें आपको अपनी रजिस्ट्रेशन डेट, जो जो चीज़ें आपने अपडेट कर रखी है अपने फॉर्म में वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप यहाँ पर ये ज़रूर देखें कि आपका डिस्पेंसरी नेम इसमें अपडेटेड है कि नहीं, यदि नहीं है तो अपने एम्प्लॉयर को बोलकर अपना डिस्पेंसरी नेम अपडेट करवा लीजिए। अब आइए अपन जिस काम के लिए हमने लॉगिन किया उसकी तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि आपके लिए सिकनेस बेनिफिट अवेलेबल है कि नहीं। तो नीचे यहाँ पे आपको कुछ लिंक दिख रहे हैं, इसके अंदर 2 लिंक आपके काम के हैं। पहले आपको जो लिंक पे क्लिक करना है वो है एंटाइटलमेंट टू बेनिफिट, ये जो दूसरा नंबर का लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे।
इस पर क्लिक करने पर भी यहाँ ऊपर आईपी नंबर आपको दिख जाएगा, उसे हमने हाइड कर रखा है। जो नीचे पूरी डिटेल दिख रही है वो आपको बता रही है कि आप कौन से पीरियड के लिए कवर्ड हैं और उसके लिए आपने कब कंट्रीब्यूशन किया था। तो पहले हम लोग वो समझते हैं। तो इसमें लिखा है बेनिफिट पीरियड एलिजिबिलिटी, तो इसके लिए आप 1 जनवरी 2000, इसमें देखिए 1 जनवरी से 30 जून 2018 तक ये पर्सन कवर्ड है, और 1 जुलाई 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक भी कवर्ड है। तो जो बेनिफिट पीरियड होता है वो जनवरी से जून और जून से दिसंबर होता है। पुनः ध्यान दीजिएगा, जो बेनिफिट पीरियड होता है वो जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक होता है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है वो अप्रैल से सितंबर होता है। तो देखिए, चूंकि 1 अप्रैल 2017 से लेकर 30 सितंबर 2017 तक इसका पेमेंट किया गया था ईएसआईसी का, तो जो बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो गया वो जनवरी से जून तक बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, जो ठीक 9 महीने बाद था कंट्रीब्यूशन पे करने के। उसी तरीके से अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 तक आपने पेमेंट किया, तो आप जुलाई 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक कवर्ड हो गए। अब नीचे ये जो टेबल दी है, आपके कितने दिन की सर्विस हुई है उसके आधार पर आप उस बेनिफिट को पाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, वो नीचे बता दिया जाता है। यहाँ देखिए मेडिकल बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट आपको शुरू से ही मिलने लग जाता है, लेकिन चूंकि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिकनेस बेनिफिट की, तो आपको सिकनेस बेनिफिट देखिए ये एलिजिबल है। क्यों? चूंकि आप देख पा रहे हैं इसमें जो प्रीवियस डे कंट्रीब्यूशन है उसमें डेज इनके 70 से ज़्यादा हैं, प्लस इनकी 9 मंथ्स की सर्विस ऑलरेडी हो रखी है, इसलिए ये सिकनेस बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए हकदार हैं, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली येस आ गया है। इसी तरीके से बाकी बेनिफिट भी जिनके लिए आप एलिजिबल हैं यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुपर स्पेशलिटी जो बेनिफिट है वो 2 साल की सर्विस के बाद शुरू होता है, इसलिए अभी नो है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको अपडेट करनी है, वो वापस स्क्रॉल डाउन करके आइए और यहाँ पर अपडेट आधार नंबर, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर जरूर सीड करना ना भूलें, क्योंकि आजकल आधार के बिना सर्विसेज मिलना मुश्किल होता जा रहा है। तो आप जब आधार पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको अपना आईपी नंबर, अपना नाम और आधार डालने की जगह दिख जाएगी, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फीड कर सेव कर सकते हैं, तो इससे आपका आधार नंबर सीड हो जाएगा। आप में से कितने लोगों ने सिक बेनिफिट का लाभ उठाया है? यदि किसी ने उठाया है तो नीचे कमेंट्स में बताइए अपना एक्सपीरियंस। क्या किसी डॉक्टर ने आपसे रिश्वत की डिमांड की है? उन सभी केसेस को हम जानना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। और दोस्तों अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि अगला वीडियो मैटरनिटी बेनिफिट पे है जो ESI के अंदर आपको मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी प्रेग्नेंट लेडीज जो ESI में कवर्ड हैं उन सभी को दिया जाता है, और अप टू 6 महीने तक की पूरी 100% तनख्वाह बिना जॉब पे गए दी जाती है। तो दोस्तों ये जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, तो अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बिल्कुल दबा के रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये वीडियो आने वाला है। थैंक यू।